जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खुशखबरी या कुछ और, इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर ताज़ा अपडेट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जवानों, चाहे वो सर्विस में हैं या रिटायर्ड हैं, दोनों के बारे में, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे दोनों से जुड़ी हुई है। और भी एक दो मुद्दे हैं जो वो भी दोनों से ही जुड़े हुए हैं, और ये इसलिए खबर निकल कर आई है क्योंकि आज जवान सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर धरना देके बैठे हुए हैं, और उन्हीं के वेलफेयर से जुड़ा हुआ एक लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, जो कि 28 फरवरी का निकला हुआ है। अब इस लेटर की सत्यता का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लेटर घूम रहा है जो कि आपके सामने है, और ये इंडियन एक्स सर्विस लीग की तरफ से 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। इस लेटर के मुताबिक, सब्जेक्ट मीटिंग विद CDS 28 फरवरी 2023, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ और वो पॉइंट से जवानों के, JCOs के, अधिकारियों के, वीर नारी, उन सब के वेलफेयर से जुड़े हुए तीन मुद्दे हैं। एक तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, जो कि सेना मुख्यालय के पास में है, वहाँ के लिए उन्होंने कहा है कि ये इस तरह से लोकेटेड है कि वहाँ पर जो नीडी, ज़रूरतमंद है, वो प्रॉपर पहुँच नहीं पाता और अथॉरिटीज़ के सामने अपनी समस्याओं को नहीं रख पाता। और ये जो मोदी जी का कहना है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि जब लोगों का मिलना ही नहीं होगा तो वो रिजल्ट कहाँ से निकलेगा। और इसी तरीके के सिमिलर डिपार्टमेंट जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी के हैं, वो मिनिमम स्टाफ के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट अच्छा निकलता है। दूसरा, इनकी तरफ से जो खास मुद्दा है वो है मिलिट्री सर्विस पे का, यानी कि जो खास मुद्दा जिसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया मिलिट्री सर्विस पे का है, इसके ऊपर कुछ लिखा है, वो ऐसे समय में जब जवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो इसके मुताबिक क्या कहा है उन्होंने, जो JCO साहब हैं उनकी MSP वो बढ़नी चाहिए, उनकी MSP कम है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। साथ ही कहा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो बहुत ही कम उस सेक्टर में जाती हैं जहां पर जिंदगी का खतरा कम है, उनकी MSP 10,500 रुपये है, जबकि वो अफसर नहीं है, ये उन्होंने मेंशन किया है। DSIR के अनुसार दे आर नॉट ऑफिसर्स। और आगे कहा है JCOs के रिगार्डिंग, JCO जो है Class 2 गजेटेड ऑफिसर होता है, और वो कम्बैट और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और JCOs को ग्रांट किया गया है हायर स्टेटस इन पे ग्रेड में, इसीलिए उनकी MSP बढ़नी चाहिए, यानी कि 10,550 JCOs की MSP बढ़नी चाहिए, ये मेंशन किया है। यहाँ दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब आप सेना के अंदर इनरोल्ड होते हैं, चाहे आपका रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपका कमीशनिंग हो, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो सेना के पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको चाहिए, जब आप उसको फुलफिल करते हो, उस एलिजिबिलिटी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी बेसिक पे, आपका एकोमोडेशन, आपकी फैसिलिटीज निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि वो आपकी योग्यता के अनुसार हैं। लेकिन जहां रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, ये जो जोखिम भत्ता है मिलिट्री सर्विस पे का, ये योग्यता के अनुसार नहीं ये दिया जाता है। आपकी जो ज़िंदगी का जोखिम है, जिसका जितना ज़्यादा जोखिम उसको उतना ज़्यादा भत्ता मिलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इनरोलमेंट के टाइम पे जिसकी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन, जो जितना ज़्यादा योग्य, उसकी योग्यता अनुसार उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाता है, उसकी उतनी बेसिक पे दी जाती है, उसको उतनी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक उसी तरीके से जिसको जहाँ ज़्यादा जोखिम है तो उसका भत्ता भी ज़्यादा होना चाहिए। इस लेटर के मुताबिक कहा गया है कि नर्सिंग ऑफिसर्स बहुत कम जाते हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर जान का खतरा कम है,
तो उनको 10,500 जोखिम भत्ता के रूप में MSP मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर्स के कंपेयर अधिकारी का एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि उनको गार्ड ड्यूटी भी चेक करनी होती है, उनको पेट्रोलिंग में भी जाना होता है, उनको ट्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसका भी रिस्क, उनका रिस्क भी ज़्यादा है, तो उनका जोखिम भत्ता ज़्यादा हुआ। लेकिन जब सवाल आता है GCO और जवान का, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 24/7 वो फ्रंटलाइन पर हैं, उनका जोखिम सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से जोखिम के अनुसार उनका जोखिम भत्ता मिलिट्री सर्विस पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है कि उसको जोखिम भत्ता के रूप में मिलिट्री सर्विस पे सबसे कम मिल रही है। और अब ये जो JCOs के लिए 10,500 की डिमांड है और जवानों को जो यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं लग रहा, क्योंकि JCO और जवान हमेशा ही फ्रंट लाइन पर है, हमेशा वो JCOs के लिए फिर भी थोड़ा सा कहीं स्पेस बचता है, लेकिन जवान के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है, वो तो हमेशा सदैव सामने ही खड़ा रहता है। दोस्तों जवान को तो मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है, क्या गर्मी और क्या सर्दी, क्योंकि पोस्टों की दशा तो आप सभी जानते ही हो, ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो 3 टप्पर की बनी होती हैं, इसलिए उसका जो जोखिम है वो सबसे ज़्यादा है और उसको सबसे ज़्यादा जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। और यही केस वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रही है, जिसकी अगली तारीख 22 मार्च को है, यानी 22 मार्च को अगली हियरिंग उस पर होने वाली है। तीसरा मुद्दा, इन्होंने ECHS के फंड का उठाया, जहां पर एक्सर्समैन को ECHS के अंदर इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस संदर्भ में, क्योंकि ECHS से मेडिसिन नहीं मिलती है तो एक्सर्समैन मेडिसिन खरीदते हैं, उनको कहा जाता है कि आप मेडिसिन खरीद लीजिए, उसका रीएम्बर्समेंट हो जाएगा, लेकिन वो रीएम्बर्समेंट नहीं हो पा रहा है, उनमें कहा है कि फंड का प्रॉब्लम है। इस संदर्भ में कर्नल CT RSU जी का मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था, उनकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, जो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं उसका लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर उसकी वो वीडियो देख सकते हैं तो पता चल जाएगा। उसमें कर्नल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ECHS में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जवानों के जो वेलफेयर के पॉइंट्स हैं जो इस लेटर के मुताबिक उठाए गए हैं उनके संदर्भ में। आप इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।